नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज फिर हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि मार्केटिंग का ही टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पे हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिर हम इन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन एग्जाम्स में कैसे करें। आज का टॉपिक है कंज्यूमर पैट्रोनेज मोटिव्स। अब कंज्यूमर पैट्रोनेज मोटिव्स का क्या अर्थ है? मोटिव्स तो हमने पहले की क्लास में पढ़ लिए थे, कंज्यूमर बिहेवियर भी हम समझ चुके हैं, लेकिन कंज्यूमर पैट्रोनेज मोटिव्स एक नई टर्म है। अब कंज्यूमर पैट्रोनेज मोटिव को इस तरीके से समझाया गया कि मोटिव्स विच इंस्पायर अ कंज्यूमर टू मेक हिज परचेज फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टोर और अ स्टोर्स। मतलब वो कौन सी अर्ज है, वो कौन सी फोर्सेस है जिससे इंस्पायर होके कंज्यूमर डिसीजन लेता है कि मैं परचेज करूंगा तो इसी स्टोर से करूंगा और नहीं तो मैं कहीं और से नहीं करूंगा। वो पर्टिकुलर स्टोर का सिलेक्शन उसने किस बेसिस पे किया, तो वो कारण जो हो सकते हैं वो ये इन पॉइंट्स में, 10 पॉइंट्स में आपको समझाया जा रहा है कि जो मार्केटिंग मैनेजर होता है कंज्यूमर पैट्रोनेज मोटिव्स को समझने के लिए, उसके पीछे जो फैक्टर्स या डिटरमिनेंट्स हैं उनको वो इन पॉइंट्स में पहले स्टडी करता है, इन कारणों को समझता है और तब जाके अपने आगे की मार्केटिंग पॉलिसी को डिजाइन करता है। पहला है नियरनेस टू द स्टोर। कंज्यूमर ने एक पर्टिकुलर स्टोर इसलिए चूज किया होगा क्योंकि वो स्टोर उसके घर के पास होगा, वहां पे वो रास्ते में पड़ता होगा और वहां से खरीदना सामान उसके लिए आसान पड़ता है। दूसरा, क्विक एंड प्रॉम्प्ट सर्विसेज। अगर वो स्टोर जो है एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, क्विक सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, रेगुलर सप्लाई वहां पे मिल रही है हर चीज की, कोई शॉर्टेज नहीं मिल रही है, घंटों लाइन में नहीं लगा रहना पड़ता, वेट नहीं करना पड़ता अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए, तो उस कारण से भी उसने जो है ये पर्टिकुलर स्टोर चूज किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति इजी डे से ही मार्केट शॉपिंग कर रहा है, अपनी जरूरत की चीजें वहीं से खरीद रहा है, तो वो हो सकता है कि वो स्टोर इजी डे का उसके घर के नजदीक हो, वहां पे उसको क्विक एंड प्रॉम्प्ट सर्विसेज मिल रही हो, या अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज वैरायटी, जो जो उसकी जरूरतों की चीज है उसकी वैरायटी बहुत लार्ज नंबर में या बहुत बड़े बल्क में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में उसको वैरायटी भी वहां मिल रही है, जिसमें उसे चॉइस करने की, सिलेक्शन करने की सुविधा मिल जाती है। फोर्थ है फैसिलिटी ऑफ होम डिलीवरी। हो सकता है इजी डे जो है होम डिलीवरी भी उसको दे रहा हो, लार्ज वैरायटी तो मिल ही रही है प्रॉम्प्ट और क्विकनेस के साथ और नजदीक भी है उसके, और उसे होम डिलीवरी की भी सुविधा मिल रही है। अगर उसके पास टाइम नहीं है वहां पे विजिट करने का तो वो अपना ऑर्डर बुक कर देता है और पेमेंट ऑनलाइन करके वो सारा सामान, या कैश पेमेंट करने के बाद जब डिलीवरी होती है प्रोडक्ट की, वो सब सामान उसको घर पे मिल जाता है। फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट। हो सकता है कि उसको जो है क्रेडिट फैसिलिटी दी जा रही हो, वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहा हो, या उसको उधार की भी सुविधा दी जा सकती है कि वो जो है 10 दिन में, 15 दिन बाद जो है उस अपने सारे परचेजेस का पेमेंट कर दे। सिक्स्थ है गुडविल ऑफ द स्टोर। इजी डे जो है मार्केट में हर जगह है, डिपार्टमेंटल स्टोर में उसका स्टेटस बहुत अच्छा है, गुडविल बहुत अच्छी है, वहां से खरीदा हुआ सामान अच्छा ही निकलता है, कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है, और ये स्टोर्स की चेन आजकल बहुत फेमस हो रही है, उसकी गुडविल दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स जो है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, इजी डे को प्रिफर कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं और अपनी नीड्स को पूरा कर लेते हैं। सेवेंथ है अवेलेबिलिटी ऑफ लेटेस्ट वेराइटी। इजी डे में मान लीजिएगा कि वेराइटी भी लेटेस्ट मिलती है, सिर्फ पुरानी चीजें नहीं मिल रही, जो नई नई अपडेशंस आ रही हैं, मॉडिफिकेशंस आ रहे हैं प्रोजेक्ट में, उनकी अवेलेबिलिटी और लेटेस्ट वैरायटी के प्रोडक्ट भी लॉन्च किए जाते हैं वहां पे और वो इजीली मिल जाते हैं।
अवेलेबिलिटी ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज की भी अवेलेबिलिटी दी जाती है अगर इजी डे से आप कुछ सामान इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी खरीद रहे हैं कुछ फॉर एग्जांपल, तो उसमें आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, गारंटी भी कार्ड भी दिया जा रहा है, वारंटी कार्ड भी दिया जा रहा है, और इस तरह की आफ्टर सेल सर्विसेज आपको काफी मिल रही है। हो सकता है स्क्रैच कूपन भी दिया जा रहा हो, कुछ स्कीम ऐसी चल रही हो, और आप जो है इन आफ्टर सेल सर्विसेज का भी पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। फैसिलिटी ऑफ रिटर्निंग अनयूज गुड्स, अगर कोई गुड आपके घर आ गया है और आपने वो यूज नहीं किया है लेकिन आपकी चॉइस का वो नहीं है, तो आप उसे रिटर्न भी कर सकते हैं स्पेसिफिक टाइम के अंदर। ये फैसिलिटी भी अगर वो पर्टिकुलर स्टोर दे रहा है तो कंज्यूमर वहीं जाना पसंद करता है और उसी स्टोर में सस्टेन्ड रहता है, वहीं से खरीदारी करता है। लास्ट, गुड्स अवेलेबल एट फेयर प्राइसेस। सबसे बड़ी बात, कंज्यूमर जो है एक ऑथेंटिक प्राइस रेट पर ही सामान खरीदना पसंद करता है, तो उसको पता है कि इस पर्टिकुलर स्टोर पे फिक्स्ड प्राइस है, चाहे कोई बच्चा चला जाए चाहे कोई बड़ा चला जाए, उसी प्राइस पे वो चीजें दी जाएंगी, उसका पूरा आपको बिल मिलेगा। तो इन कारणों की वजह से जो है कंज्यूमर पैट्रोनेज मोटिव्स क्रिएट होते हैं। जब कोई मार्केटिंग मैनेजर इन पॉइंट्स को पढ़ता है, डीप एनालिसिस करता है इनकी, तो ये एक बेस बन जाता है मार्केटिंग मैनेजर की मार्केटिंग पॉलिसी को डिजाइन करने के लिए। जब तक वो इन चीजों को नहीं पढ़ेगा, इन कारणों को नहीं पढ़ेगा कि वो पर्टिकुलर क्या कारण है जिसकी वजह से इस तरीके का बिहेवियर किसी कंज्यूमर कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है, तो उसकी मार्केटिंग पॉलिसी जो है एक्यूरेट तभी बन पाएगी जब वो कंज्यूमर बिहेवियर को अच्छे से समझ रहा है, उसके डिटरमिनेंट्स, उसके फैक्टर्स को भी जो उसे अफेक्ट कर रहे हैं वो पढ़ रहा है। उसी के बेसिस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जा रहा है, और मार्केटिंग का स्कोप धीरे धीरे बहुत वाइड होता जा रहा है। वो अपने आप में एक सब्जेक्टिव नॉलेज बन गया है जिसमें अनलिमिटेड स्टडीज एंड रिसर्चेस हो रही हैं, हर दिन एक नई मॉडिफिकेशंस के साथ एक नई इन्वेंशन होती है। इसी के बाद हम एक पढ़ते हैं कि एक हुए हैं साइकोलॉजिस्ट A.H. मैस्लो, उन्होंने नीड थ्योरी ऑर्डर बनाया। उन्होंने कहा कि जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आप जो है कंज्यूमर की नीड के ऑर्डर किस तरीके से चलते हैं, क्या हायरार्की है जिसपे वो चलते हैं, कौन सी फर्स्ट स्टेप पे नीड पूरी करी जाती है कंज्यूमर की, कौन सी सेकंड पे, कौन सी थर्ड की, उन्होंने ये ऑर्डर बनाया, इसको हम पढ़ते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मार्केटिंग। पहली, मास्लो ने नीड बताई कि फिजिकल नीड्स। सबसे पहले कंज्यूमर्स जो है, ह्यूमन नेचर जो होती है वो ये कहती है कि सबसे पहले ह्यूमन बीइंग्स अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करते हैं। अगर ह्यूमन को भूख लगी है तो उसे खाना चाहिए, वो खाना खाकर ही संतुष्ट होगा। अगर उसे प्यास लगी है तो उसे पानी से ही उसकी प्यास बुझेगी। अगर वो स्लीपी फील कर रहा है, थकान फील कर रहा है, तो जब तक वो पूरी एक साउंड स्लीप नहीं लेगा तब तक वो जो है नॉर्मल अपनी उसमें नहीं आएगा, नॉर्मल रूटीन में नहीं आएगा। तो ये थी उसकी फिजिकल नीड्स। सबसे पहले जो बेसिक नीड्स हैं, फिजिकल नीड्स को कंज्यूमर फुलफिल करता है। उसके बाद जब फिजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं तो आती हैं आपकी सेफ्टी नीड्स। जब व्यक्ति की फिजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं, वो कहीं स्टैंड कर रहा है, कहीं एग्जिस्टेंस में आ रहा है, अपने पूरे होश हवास में है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की कंडीशन में है, तो वो सेफ्टी नीड्स को पूरा करता है। जैसे उसको जो है एक शेल्टर चाहिए, एक घर चाहिए, एक छत चाहिए सर के ऊपर, क्योंकि अगर वो खुले में सोता है तो जानवरों से डर रहता है और कीड़े मकोड़ों से डर रहता है, उसे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। आजकल का जैसे टाइम चल रहा है, कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो आजकल सेफ्टी नीड्स वैक्सीनेशन है। हर जगह जोर दिया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन करवाइएगा तभी आप जो है कोरोना से बच सकते हैं। आप सड़क पे चल रहे हैं
तो आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो आप एक्सीडेंट हो जाएगा। तो सेफ्टी नीड सेकंड नंबर पे आती है। थर्ड नंबर पे आता है लव एंड अफेक्शन। हर व्यक्ति के कुछ सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, इमोशनल, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, नीड्स होते हैं, जिसके बेसिस पे वो अपनी ये थर्ड स्टेज की नीड्स को पूरा करता है। हम समाज में रह रहे हैं और समाज के हमें कुछ दायरे पूरे करने पड़ते हैं, हमें सुख दुख आपस में बांट के रहना पड़ता है, और हम सारी इच्छाएं, अपनी सारी रिक्वायरमेंट अकेले फुलफिल नहीं कर सकते। हम जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक टीम में काम करते हैं, और उस टीम में हमें कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, मोटिवेशन, ये सारी चीज प्लान करके चलनी पड़ती है। अगर इन साइकोलॉजिकल नीड्स का हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है, अगर किसी बच्चा जो है कोई गलती कर रहा है, तो आप उसको अगर मारेंगे पीटेंगे तो वो जो है उस गलती में उसका सुधार इतनी जल्दी नहीं आएगा, बल्कि अगर आप उसे प्यार से समझाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, उसमें सुधार आ सकता है। तो हर व्यक्ति प्यार का और सम्मान का भूखा होता है। आप जो हैं, जरूरी नहीं है हर चीज पैसे से पूरी कर सकते हैं। आप सम्मान से, प्यार से भी एक अच्छा रिलेशन बना के भी अपने को मेंटेन करके रख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है प्रेस्टीज। एक स्टेटस होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव होती रहती हैं, आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होता रहता है, बढ़ता रहता है। जैसे जैसे आपका इंक्रीज होएगा लिविंग स्टैंडर्ड, उसी के अनुसार आप अपने कंफर्ट एंड लग्जरी लेवल्स को फुलफिल करते चले जाएंगे। लास्ट आती है सेल्फ ईगो या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स कहते हैं कि जब ये सारे लेवल्स पूरे हो जाते हैं, तो लास्ट में जो व्यक्ति सोचता है, वो सोचता है कि सारी जो मेटेरियलिस्टिक नीड्स है वो आज उसने पूरी कर ली है, लेकिन उसका कहीं सेल्फ ईगो भी है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत मायने रखती है, उसको सेल्फ रिलायंट बनना चाहिए, इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हर व्यक्ति की इंडिविजुअल होती है, ये आपका ईमान, आपका आत्मसम्मान, आप ये सारी चीजें जो है इनर जो आपके पर्सनालिटी को बनाती हैं, वो उन सबको कॉन्स्टिट्यूट करके ये सेल्फ ईगो बनता है। तो ये थी नीड थ्योरी ऑर्डर ऑफ दी AH मैस्लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस पे, इसको ध्यान से समझिए, पढ़िएगा इनको, और हमेशा याद रखिए कि अकॉर्डिंग टू AH मैस्लो नीड थ्योरी ऑर्डर आर 5 इन नंबर्स। नीचे से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर जाके ये खत्म हो रहा है। नीचे से ऑर्डर इसलिए स्टार्ट हुआ कि ये बेसिक नीड से स्टार्ट हुआ, सेफ्टी नीड तक पहुंचा, लव एंड अफेक्शन तीसरे ऑर्डर पे आके, प्रेस्टीज एंड सोशल स्टेटस, लग्जूरियस लाइफ से लेके सेल्फ ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जो सिर्फ अपने लिए इंडिविजुअली व्यक्ति कमाता है उसको पूरा करने के लिए बनी हुई है। तो आज हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया, कल फिर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एज वेल एज योर फैमिली। थैंक यू। शॉपिंग कर रहा है, अपनी जरूरत की चीजें वहीं से खरीद रहा है, तो वो हो सकता है कि वो स्टोर इजी डे का उसके घर के नजदीक हो, वहां पे उसको क्विक एंड प्रॉम्प्ट सर्विसेज मिल रही हो, या अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज वैरायटी, जो जो उसकी जरूरतों की चीज है उसकी वैरायटी बहुत लार्ज नंबर में या बहुत बड़े बल्क में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में उसको वैरायटी भी वहां मिल रही है, जिसमें उसे चॉइस करने की, सिलेक्शन करने की सुविधा मिल जाती है। फोर्थ है फैसिलिटी ऑफ होम डिलीवरी। हो सकता है इजी डे जो है होम डिलीवरी भी उसको दे रहा हो, लार्ज वैरायटी तो मिल ही रही है प्रॉम्प्ट और क्विकनेस के साथ, और नजदीक भी है उसके, और उसे होम डिलीवरी की भी सुविधा मिल रही है। अगर उसके पास टाइम नहीं है वहां पे विजिट करने का, तो वो अपना ऑर्डर बुक कर देता है और पेमेंट ऑनलाइन करके वो सारा सामान, या कैश पेमेंट करने के बाद जब डिलीवरी होती है प्रोडक्ट की, वो सब सामान उसको घर पे मिल जाता है। फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट।
हो सकता है कि उसको जो है क्रेडिट फैसिलिटी दी जा रही हो, वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहा हो, या उसको उधार की भी सुविधा दी जा सकती है कि वो जो है 10 दिन में 15 दिन बाद जो है उस अपने सारे परचेजेस का पेमेंट कर दे। सिक्स्थ है गुडविल ऑफ द स्टोर। इजी डे जो है मार्केट में हर जगह है, डिपार्टमेंटल स्टोर में उसका स्टेटस बहुत अच्छा है, गुडविल बहुत अच्छी है, वहां से खरीदा हुआ सामान अच्छा ही निकलता है, कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है। और ये स्टोर्स की चेन आजकल बहुत फेमस हो रही है, उसकी गुडविल दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स जो है फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं इजी डे को प्रिफर कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं और अपनी नीड्स को पूरा कर लेते हैं। सेवेंथ है अवेलेबिलिटी ऑफ लेटेस्ट वेराइटी। इजी डे में मान लीजिएगा कि वेराइटी भी लेटेस्ट मिलती है, सिर्फ पुरानी चीजें नहीं मिल रही, जो नई नई अपडेशंस आ रही हैं, मॉडिफिकेशंस आ रहे हैं प्रोडक्ट में, उनकी अवेलेबिलिटी और लेटेस्ट वेराइटी के प्रोडक्ट भी लॉन्च किए जाते हैं वहां पे और वो इजीली मिल जाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज। आफ्टर सेल सर्विसेज की भी अवेलेबिलिटी दी जाती है, अगर इजी डे से आप कुछ सामान इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी खरीद रहे हैं कुछ फॉर एग्जांपल, तो उसमें आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, गारंटी भी कार्ड भी दिया जा रहा है, वारंटी कार्ड भी दिया जा रहा है, और इस तरह की आफ्टर सेल सर्विसेज आपको काफी मिल रही है। हो सकता है स्क्रैच कूपन भी दिया जा रहा हो, कुछ स्कीम ऐसी चल, इसको हम पढ़ते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मार्केटिंग। पहली मास्लो ने नीड बताई कि फिजिकल नीड्स। सबसे पहले कंज्यूमर्स जो है, ह्यूमन नेचर जो होती है वो ये कहती है कि सबसे पहले ह्यूमन बींग्स अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करते हैं। अगर ह्यूमन को भूख लगी है तो उसे खाना चाहिए, वो खाना खाकर ही संतुष्ट होगा। अगर उसे प्यास लगी है तो उसे पानी से ही उसकी प्यास बुझेगी। अगर वो स्लीपी फील कर रहा है, थकान फील कर रहा है, तो जब तक वो पूरी एक साउंड स्लीप नहीं लेगा तब तक वो जो है नॉर्मल अपनी उसमें नहीं आएगा, नॉर्मल रूटीन में नहीं आएगा। तो ये थी उसकी फिजिकल नीड्स। सबसे पहले जो बेसिक नीड्स हैं, फिजिकल नीड्स को कंज्यूमर फुलफिल करता है। उसके बाद जब फिजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं तो आती हैं आपकी सेफ्टी नीड्स। जब व्यक्ति की फिजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं, वो कहीं स्टैंड कर रहा है, कहीं एग्जिस्टेंस में आ रहा है, अपने पूरे होश हवास में है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की कंडीशन में है, तो वो सेफ्टी नीड्स को पूरा करता है। जैसे उसको जो है एक शेल्टर चाहिए, एक घर चाहिए, एक छत चाहिए सर के ऊपर, क्योंकि अगर वो खुले में सोता है तो जानवरों से डर रहता है और कीड़े मकोड़ों से डर रहता है, उसे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। आजकल का जैसे टाइम चल रहा है, कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो आजकल सेफ्टी नीड्स वैक्सीनेशन है। हर जगह जोर दिया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन करवाइएगा, तभी आप जो है कोरोना से बच सकते हैं। आप सड़क पे चल रहे हैं तो आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो आप एक्सीडेंट हो जाएगा। तो सेफ्टी नीड सेकंड नंबर पे आती है। थर्ड नंबर पे आता है लव एंड अफेक्शन। हर व्यक्ति की कुछ सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, इमोशनल, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, नीड्स होते हैं, जिसके बेसिस पे वो अपनी ये थर्ड स्टेज की नीड्स को पूरा करता है। हम समाज में रह रहे हैं और समाज के हमें कुछ दायरे पूरे करने पड़ते हैं, हमें सुख दुख आपस में बांट के रहना पड़ता है, और हम सारी इच्छाएं, अपनी सारी रिक्वायरमेंट अकेले फुलफिल नहीं कर सकते। हम जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक टीम में काम करते हैं, और उस टीम में हमें कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, मोटिवेशन, ये सारी चीज प्लान करके चलनी पड़ती है। अगर इन साइकोलॉजिकल नीड्स का हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है, अगर किसी बच्चा जो है कोई गलती कर रहा है तो आप उसको अगर मारेंगे पीटेंगे तो वो जो है उस गलती, मान इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी खरीद रहे हैं कुछ फॉर एग्जांपल, तो उसमें आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, गारंटी भी कार्ड भी दिया जा रहा है, वारंटी कार्ड भी दिया जा रहा है, और इस तरह की आफ्टर सेल सर्विसेज आपको काफी मिल रही है। हो सकता है स्क्रैच कूपन भी दिया जा रहा हो, कुछ स्कीम ऐसी चल रही हो, और आप जो है इन आफ्टर सेल सर्विसेज का भी पूरा बेनिफिट ले सकते हैं।
फैसिलिटी ऑफ रिटर्निंग अनयूज्ड गुड्स, अगर कोई गुड आपके घर आ गया है और आपने वो यूज नहीं किया है लेकिन आपकी चॉइस का वो नहीं है, तो आप उसे रिटर्न भी कर सकते हैं स्पेसिफिक टाइम के अंदर। ये फैसिलिटी भी अगर वो पर्टिकुलर स्टोर दे रहा है तो कंज्यूमर वहीं जाना पसंद करता है और उसी स्टोर में सस्टेन्ड रहता है, वहीं से खरीदारी करता है। लास्ट, गुड्स अवेलेबल एट फेयर प्राइसेस। सबसे बड़ी बात, कंज्यूमर जो है एक ऑथेंटिक प्राइस रेट पर ही सामान खरीदना पसंद करता है, तो उसको पता है कि इस पर्टिकुलर स्टोर पे फिक्स्ड प्राइस है, चाहे कोई बच्चा चला जाए चाहे कोई बड़ा चला जाए, उसी प्राइस पे वो चीजें दी जाएंगी, उसका पूरा आपको बिल मिलेगा। तो इन कारणों की वजह से जो है कंज्यूमर पैट्रोनेज मोटिव्स क्रिएट होते हैं। जब कोई मार्केटिंग मैनेजर इन पॉइंट्स को पढ़ता है, डीप एनालिसिस करता है इनकी, तो ये एक बेस बन जाता है मार्केटिंग मैनेजर की मार्केटिंग पॉलिसी को डिजाइन करने के लिए। जब तक वो इन चीजों को नहीं पढ़ेगा, इन कारणों को नहीं पढ़ेगा कि वो पर्टिकुलर क्या कारण है जिसकी वजह से इस तरीके का बिहेवियर किसी कंज्यूमर कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है, तो उसकी मार्केटिंग पॉलिसी जो है एक्यूरेट तभी बन पाएगी जब वो कंज्यूमर बिहेवियर को अच्छे से समझ रहा है, उसके डिटरमिनेंट्स, उसके फैक्टर्स को भी जो उसे अफेक्ट कर रहे हैं वो पढ़ रहा है। उसी के बेसिस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जा रहा है और मार्केटिंग का स्कोप धीरे धीरे बहुत वाइड होता जा रहा है। वो अपने आप में एक सब्जेक्टिव नॉलेज बन गया है जिसमें अनलिमिटेड स्टडीज एंड रिसर्चेस हो रही हैं, हर दिन एक नई मॉडिफिकेशंस के साथ एक नई इन्वेंशन होती है। इसी के बाद हम एक पढ़ते हैं कि एक हुए हैं साइकोलॉजिस्ट A.H. मैस्लो, उन्होंने नीड थ्योरी ऑर्डर बनाया। उन्होंने कहा कि जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आप जो है कंज्यूमर की नीड के ऑर्डर किस तरीके से चलते हैं, क्या हायरार्की के बेसिस पे वो अपनी ये थर्ड स्टेज की नीड्स को पूरा करता है। हम समाज में रह रहे हैं और समाज के हमें कुछ दायरे पूरे करने पड़ते हैं, हमें सुख दुख आपस में बांट के रहना पड़ता है, और हम सारी इच्छाएं अपनी सारी रिक्वायरमेंट अकेले फुलफिल नहीं कर सकते। हम जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक टीम में काम करते हैं और उस टीम में हमें कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, मोटिवेशन, ये सारी चीज प्लान करके चलनी पड़ती है। अगर इन साइकोलॉजिकल नीड्स का हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है, अगर किसी बच्चा जो है कोई गलती कर रहा है तो आप उसको अगर मारेंगे पीटेंगे तो वो जो है उस गलती में उसका सुधार इतनी जल्दी नहीं आएगा, बल्कि अगर आप उसे प्यार से समझाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, उसमें सुधार आ सकता है। तो हर व्यक्ति प्यार का और सम्मान का भूखा होता है। आप जो है जरूरी नहीं है हर चीज पैसे से पूरी कर सकते हैं, आप सम्मान से, प्यार से भी एक अच्छा रिलेशन बना के भी अपने को मेंटेन करके रख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है प्रेस्टीज। एक स्टेटस होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव होती रहती हैं, आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होता रहता है, बढ़ता रहता है। जैसे जैसे आपका इंक्रीज होएगा लिविंग स्टैंडर्ड, उसी के अनुसार आप अपने कंफर्ट एंड लग्जरी लेवल्स को फुलफिल करते चले जाएंगे। लास्ट आती है सेल्फ ईगो या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स कहते हैं कि जब ये सारे लेवल्स पूरे हो जाते हैं तो लास्ट में जो व्यक्ति सोचता है, वो सोचता है कि सारी जो मेटेरियलिस्टिक नीड्स है वो आज उसने पूरी कर ली है, लेकिन उसका कहीं सेल्फ ईगो भी है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत मायने रखती है, उसको सेल्फ रिलायंट बनना चाहिए, इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हर व्यक्ति की इंडिविजुअल होती है, ये आपका ईमान, आपका आत्मसम्मान, आप ये सारी चीजें जो है इनर जो आपके पर्सनालिटी को बनाती हैं वो उन सबको कॉन्स्टिट्यूट करके ये सेल्फ ईगो बनता है। तो ये थी नीड थ्योरी ऑर्डर ऑफ दी A.H. मैस्लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस पे, इसको ध्यान से समझिए, पढ़िएगा इनको, और
और हमेशा याद रखिए कि अकॉर्डिंग टू ए एच मैस्लो, नीड थ्योरी ऑर्डर आर फाइव इन नंबर्स। नीचे से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर जाके ये खत्म हो रहा है। नीचे से ऑर्डर इसलिए स्टार्ट हुआ कि ये साइकोलॉजिकल नीड्स का हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है। अगर किसी बच्चा जो है कोई गलती कर रहा है, तो आप उसको अगर मारेंगे पीटेंगे तो वो जो है उस गलती में उसका सुधार इतनी जल्दी नहीं आएगा, बल्कि अगर आप उसे प्यार से समझाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, उसमें सुधार आ सकता है। तो हर व्यक्ति प्यार का और सम्मान का भूखा होता है। आप जो हैं, जरूरी नहीं है हर चीज पैसे से पूरी कर सकते हैं। आप सम्मान से, प्यार से भी एक अच्छा रिलेशन बना के भी अपने को मेंटेन करके रख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है प्रेस्टीज। एक स्टेटस होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव होती रहती हैं, आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होता रहता है, बढ़ता रहता है। जैसे जैसे आपका इंक्रीज होएगा लिविंग स्टैंडर्ड, उसी के अनुसार आप अपने कंफर्ट एंड लग्जरी लेवल्स को फुलफिल करते चले जाएंगे। लास्ट आती है सेल्फ ईगो या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स कहते हैं कि जब ये सारे लेवल्स पूरे हो जाते हैं, तो लास्ट में जो व्यक्ति सोचता है, वो सोचता है कि सारी जो मेटेरियलिस्टिक नीड्स है वो आज उसने पूरी कर ली है, लेकिन उसका कहीं सेल्फ ईगो भी है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत मायने रखती है, उसको सेल्फ रिलायंट बनना चाहिए, इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हर व्यक्ति की इंडिविजुअल होती है। ये आपका ईमान, आपका आत्मसम्मान, आप ये सारी चीजें जो है इनर, जो आपके पर्सनालिटी को बनाती हैं, वो उन सबको कॉन्स्टिट्यूट करके ये सेल्फ ईगो बनता है। तो ये थी नीड थ्योरी ऑर्डर ऑफ दी एएच मैस्लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस पे, इसको ध्यान से समझिए, पढ़िएगा इनको, और हमेशा याद रखिए कि अकॉर्डिंग टू ए एच मैस्लो, नीड थ्योरी ऑर्डर आर फाइव इन नंबर्स। नीचे से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर जाके ये खत्म हो रहा है। नीचे से ऑर्डर इसलिए स्टार्ट हुआ कि ये बेसिक नीड से स्टार्ट हुआ, सेफ्टी नीड तक पहुंचा, लव एंड अफेक्शन तीसरे ऑर्डर पे आके, प्रेस्टीज एंड सोशल स्टेटस, लग्जूरियस लाइफ से लेके सेल्फ ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जो सिर्फ अपने लिए इंडिविजुअली व्यक्ति कमाता है, उसको पूरा करने के लिए बनी हुई है। तो आज हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया, कल फिर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ